गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। टुडे इज योर टॉपिक ब्रेन ट्यूमर। ब्रेन ट्यूमर आज हम जानेंगे कि ब्रेन ट्यूमर क्या होता है, इसके कितने टाइप्स हैं, इसके लक्षण क्या हैं और इसको हम किस प्रकार से डायग्नोज कर सकते हैं और ब्रेन ट्यूमर के कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हैं और इसको हम ट्रीट किस प्रकार से कर सकते हैं। ब्रेन ट्यूमर को अदर नाम से भी जानते हैं, जैसे कि है सेरिब्रल ट्यूमर और हम इसको इंट्राक्रैनियल ट्यूमर भी कहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसका डिफिनीशन। इसका डिफिनीशन देखिए, इट इज़ एन एबनॉर्मल मल्टीप्लिकेशन एंड प्रोलीफरेशन ऑफ ब्रेन सेल्स। इसमें क्या होता है, जो ब्रेन में कैंसर सेल्स होती हैं उनका एबनॉर्मल तरीके से ग्रोथ होता है। ब्रेन में कैंसर सेल का एबनॉर्मल तरीके से ग्रोथ होने को ही हम ब्रेन ट्यूमर या ब्रेन कैंसर कहते हैं। तो इसका टाइप्स देखिए, इसके 4 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है ग्लायोमास, सेकंड है मेनिंजियस ट्यूमर, थर्ड है पिट्यूटरी ट्यूमर्स और फोर्थ है हिमेटोपोएटिक ट्यूमर्स। तो फर्स्ट देखिए ग्लायोमास। ग्लायोमास में क्या होता है, इसमें जो ब्रेन में न्यूरोपिथेलियल सेल्स होती हैं इसमें ट्यूमर एराइज होता है। फिर सेकंड है मेनिंजियस ट्यूमर, मेनिंजियस लेयर जो कि आउटर कवरिंग लेयर ऑफ द ब्रेन है उसमें मेनिंजियस लेयर जो है उसमें कैंसर सेल्स एराइज होता है। फिर थर्ड है पिट्यूटरी ट्यूमर्स। पिट्यूटरी ट्यूमर्स में क्या होता है, ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है यहाँ कैंसर सेल ग्रोथ करती हैं। फिर फोर्थ है हिमेटोपोएटिक ट्यूमर्स। इसमें क्या होता है, जो कैंसर सेल्स होती हैं ये इनका इफेक्ट कहाँ कहाँ पड़ता है, इफेक्ट द ब्लड बोन मैरो लिम्फ एंड लिम्फेटिक सिस्टम पे ये अफेक्ट करती हैं। फिर आइए देखते हैं साइन एंड सिम्टम, क्या क्या चिन्ह और लक्षण दिखाई देंगे ब्रेन एंड ब्रेन ट्यूमर के। फर्स्ट है हेडेक, जो पेशेंट है उसको हेडेक होगा। फिर वोमिटिंग, पेशेंट को वोमिटिंग लगेगा। फिर है पैपिलेडेमा, इसमें क्या होता है, जो ऑप्टिक नर्व होती है उसमें स्वेलिंग होती है। फिर उसके बाद है अल्टरेशन इन कॉन्सियसनेस, मतलब पेशेंट को अल्टर्ड, मतलब कॉन्सियसनेस, मतलब कॉन्सियस मतलब होता है होश, मतलब चेतना अवस्था, उसमें क्या है अल्टरेशन होगा। फिर है कन्फ्यूजन, पेशेंट को कन्फ्यूजन रहेगा। फिर डिप्रेशन, जो पेशेंट है वो डिप्रेस्ड हो जाएगा। फिर क्या है पर्सनालिटी एंड बिहेवियर चेंज, जो पेशेंट है उसका उसकी पर्सनालिटी और उसके बिहेवियर में चेंजेस देखने को मिलते हैं। फिर क्या है डिस्फेजिया, इसका मतलब होता है स्वॉलोइंग इन डिफ़िकल्टी, कुछ भी निगलने में उसको दिक्कत होगी। फिर क्या है इनकॉन्टिनेंस, इसमें क्या है जो पेशेंट उसको यूरिन और स्टूल पास करने में डिफ़िकल्टी होती है या वो पास आउट नहीं कर पाता है। फिर क्या है कोमा, जो पेशेंट वो कोमा में भी जा सकता है, उसमें मतलब कोमा देखने को मिलता है। फिर उसके बाद सीजर, पेशेंट को सीजर मतलब होता है झटका आना, पेशेंट को सीजर आएगा। फिर आइए देखते हैं इसका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, हम किस प्रकार से इसको डायग्नोज कर सकते हैं। फर्स्ट है रेडियोग्राफी ऑफ स्कल, स्कल का हम रेडियोग्राफी करेंगे। फिर सेकेंड है सीटी स्कैन, पेशेंट का सीटी स्कैन कराएंगे। फिर लंबर पंक्चर, हम मतलब लंबर पंक्चर के थ्रू ये जो स्पाइनल कॉर्ड होती है यहाँ जो लंबर बोन होती है वहाँ से हम फ्लूइड को निकालते हैं और उसको उसका टेस्ट करते हैं, तो उसको ही कहते हैं लंबर पंक्चर। फिर क्या है एमआरआई, पेशेंट का हम एमआरआई कराएंगे। इस प्रकार से हम ब्रेन ट्यूमर को डायग्नोज कर सकते हैं। फिर क्या है कॉम्प्लिकेशन, पेशेंट में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं ब्रेन ट्यूमर की वजह से। पहला है इंक्रीज्ड आईसीपी, इसका मतलब है जो इंट्राक्रैनियल प्रेशर है वो पेशेंट में इंक्रीज हो जाएगा। और फिर क्या है लास्ट है डेथ, पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। फिर इसमें हम ट्रीटमेंट क्या क्या प्रोवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है सर्जिकल मैनेजमेंट, हम पेशेंट को सर्जरी के थ्रू ठीक कर सकते हैं। फिर उसके बाद है रेडिएशन थेरेपी, हम पेशेंट को रेडिएशन थेरेपी देते हैं। फिर लास्ट है कीमोथेरेपी, हम पेशेंट को कीमोथेरेपी प्रोवाइड कर सकते हैं। इस प्रकार से हम पेशेंट को ठीक कर सकते हैं।